गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम स्टार्ट किया हुआ है प्रिपेयर नीट इन 40 डेज, अब हम ये करेंगे कि बायोलॉजी को आप कैसे प्रिपेयर करें। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी फॉर नीट इन 40 डेज। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 10 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 10 टॉपिक्स। तो अगर आपने 40 डेज में करना है तो आपने ये रखना है कि आपका 2 डेज में 1 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कितने डेज में? 2 डेज में 1 टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीट नहीं करना है जस्ट कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आपने ऐसे कंप्लीट करना है कि यस आई कैन डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, कि मैं इस टॉपिक में से आप मुझे कुछ भी आएगा तो मैं कर सकूंगा। जब भी आप कोई भी टॉपिक करोगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने श्योर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, मार्क टेस्ट या फिर और जो एक्सरसाइजेस वगैरह दी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट में, या जो आपने रिफ्रेशर रखी है उसके लास्ट में, वो पक्का करिए। अगर आपको वो हो गया तो श्योरिटी आप क्या करोगे कि यू विल गेट डन। ठीक है, आप उसको क्या कर लोगे। अब आप प्रिपेयर बायोलॉजी में, फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि इफ यू स्कोर 300+ इन बायोलॉजी देन यू विल श्योर MBBS डॉक्टर। ओके, तो आपको डॉक्टर कहलाने के लिए यानी कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, बायोलॉजी को अपना सबसे पास वाला फ्रेंड, जैसे ट्रेंडिंग में देखें तो पबजी लड़कों के लिए और लूडो लड़कियों के लिए और इन टूडेज कैरम भी चल रहा है, तो ये जो है ये ट्रेंडिंग है, मतलब इनको हम अपना फ्रेंड मानते हैं कि अपना टाइम पास कर लें। तो हमारे डॉक्टर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये लगा लें कि हमने पबजी को, बायोलॉजी को पबजी भी मानना है, बायोलॉजी को लूडो भी मानना है और बायोलॉजी को कैरम भी मानना है, यानी कि इन तीनों की जगह बायोलॉजी। जब आपने बायोलॉजी में 300+ मार्क्स ले लिए तो आप श्योरली इसी बार क्या बन जाओगे, MBBS डॉक्टर। और आपको पता है कि मैंने क्यों MBBS का बोला है, क्योंकि आपको MBBS करने के लिए नीट में 600+ मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो बायोलॉजी 300 यानी कि 50% अगर ला के देगी तो आप ऑटोमेटिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इतने ला सकते हो दोनों में, और आप क्या कर सकते हो, MBBS क्रैक कर सकते, यानी कि नीट क्रैक कर सकते हो। अब मैं आप बायोलॉजी पे आ जाए तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप 300+ ले सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। जितना आप इसको थारो स्टडी दोगे, थारोली बार बार रिपीटेड स्टडी दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली आपको क्या होंगे, माइंड में विजुअलाइज हो जाएंगे। आपको देखते ही आप क्या कर दोगे, मैं आपको बताऊंगी, आप 90 क्वेश्चन 60 मिनट में पक्का कर लोगे बायोलॉजी के, ये पक्की बात है। और 90 के 90 बिल्कुल ठीक, क्यों ना, तो आपने इसमें न्यूमेरिकल निकालना है ना, आपने कोई रिएक्शन करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत बेस्ट ये है कि इस थ्योरी को आप थारो स्टडी करिए। मैंने यहां लिख दिया कि फुल फोकस दो NCERT पे। आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 में से 75 क्वेश्चन से कम NCERT से आए तो आप मेरा चैनल कभी नहीं देखना। NCERT से 75 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। किसी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं हुआ, एनालाइज करिए कि 75 से कम आपके NCERT से आए हो, तो आप NCERT पे फोकस करिए, किसके लिए, बायोलॉजी के लिए। ओके, आप बायोलॉजी में अगर आप, पहले तो आपने क्या करना है, 11th स्टार्ट करनी है। वाई? बिकॉज 11th इज पेंडिंग क्लास। क्यों? एक साल पहले किया था, अभी हमने उसको रिवाइज नहीं कर पाए। अब हमारे पेपर जो है हो चुके हैं, कुछ अनाउंस हुए हैं, उनके लिए भी आपने साइड बाई साइड पढ़ना है, लेकिन आपने ज्यादा फोकस देना है 11th पे। तो 11th बायोलॉजी को पढ़िए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज आप उसको टाइम दीजिए, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की इन एवरी सब्जेक्ट आर इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में आपको टाइम मैनेजमेंट है तो आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट की होती है, बेसिक की होती है हर किसी के लिए। तो वेटेज के हिसाब से, ये नहीं कि तीन, जिसमें से 3% आएंगे उसको आप दो 10 घंटे, और जिसमें से 10% आएंगे उसको दो आप 4 घंटे, तो यू विल
नॉट एबल टू डू दैट। अगर आपको ये करना है, डिटरमाइन हो आप, डिटर्मिनेशन है कि मैंने करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज उनको टाइम दीजिए। मैंने कुछ वेटेज के हिसाब से आपको बता दिए, जैसे मैक्सिमम वेटेज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 18% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके किसी भी नीट एग्जाम में। एनालाइज किया है पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें से ये जो है स्टैटिक्स निकला है कि 18% क्वेश्चन जेनेटिक्स और हेरिडिटी से पूछे गए। वैसे रिप्रोडक्शन 9%, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 9%, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंटली टॉपिक हैं। उसके बाद आपने ऐसे ही क्या करना है कि अपने सिलेबस को एनालाइज करके देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन से टॉपिक हैं, उनको तो स्ट्रेस, फुल स्ट्रेस होनी चाहिए उनपे। उसके बाद जो अदर है उसको भी, ये नहीं है कि एक मार्क भी बहुत होता है, वो आपने क्या करना है, हर किसी पे फोकस करना है। उसके बाद जब मैंने फुल फोकस दिया था एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी के बाद आपने क्या करना है, रिफ्रेशर पक्का कंसल्ट करनी है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते बायोलॉजी में, 90 के 90 होने चाहिए। तो आपने रिफ्रेशर पक्का कंसल्ट करनी है, रिफ्रेशर की एक्सरसाइज पक्का करनी है, उसके बाद मार्क टेस्ट जरूर 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 करना है। क्यों? क्योंकि मार्क टेस्ट ही आपकी जो माइंड का रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऐसे सेट कर देगा कि मैंने नीट में जब बैठना है क्वेश्चन कैसे करने हैं क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपने लेने हैं, पहले उनके आंसर्स नहीं देखने हैं, वो आपका होगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यानी कि चैप्टर किया उसके बाद क्या किया, वो सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व किए पेंसिल से, आगे से आंसर की से उसको मैच किया और अपने आप को खुद नंबर दिए, यानी कि अपने इवेल्युएटर, अपने एग्जामिनर खुद बन गए कि मुझे इस चैप्टर में से कहां जो है वो अभी और ज्यादा वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये है, अगर आपने ऐसे बायोलॉजी में कर लिया तो श्योरली यू विल डू मोर देन 85 क्वेश्चंस करेक्टली इन नीट एग्जाम्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।